अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपको बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त रेसिपी दे रही हूँ। बहुत अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ बच्चों के लिए, और वो बूढ़े हमारे वालिदैन या बुज़ुर्ग वगैरह जो के जो है वो होम मेड जो आम तौर पे जो हमारा कैजुअल खाना बना हुआ होता है वो उसको नहीं खा सकते, थोड़ी हल्की ग़िज़ा खाना चाहते हैं, या वो लोग के जिनके पेट अक्सर ख़राब रहता है, जिनको प्रॉब्लम है मेदे वगैरह की, तो उन सब के लिए एक हेल्दी रेसिपी लेकर आई हूँ। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बना के देखिएगा। हेल्दी रेसिपी है, बेसिकली ये हेल्दी रेसिपी है। अगर आप लोग भी इसको यूज़ करना चाहते हैं, हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने यहाँ सबसे पहले दलिया लिया है, और दलिया है मेरा 125 ml और हाफ कप। यहाँ मैं ये दलिया लूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ कप मेरे पास दलिया है, और 85 ml और 1/3 कप मैं इसमें दाल ले रही हूँ। दाल मैं ले रही हूँ मूंग की। ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से दोनों चीज़ों को वॉश कर लेना है, और इसमें तकरीबन हम 3 ग्लास इसमें पानी लेंगे, और 3 ग्लास पानी लेकर हमें इसको चढ़ाना है। तो आइए मेरे साथ देखते रहिए कि किस तरह ये हेल्दी रेसिपी आप लोगों के लिए बन रही है। यहाँ देखिए कि दोनों चीज़ों को मैंने वॉश करके और 3 ग्लास पानी लेके इसको चढ़ा दिया है मैंने दोनों चीज़ों को। अब इसमें जो भी चीज़ें हम ऐड कर रहे हैं वो है यहाँ टमाटर, मैंने एक अदद लेके उसको बारीक बारीक पीसेस में काट के वो इसमें ऐड कर रही हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और एक दो पीस ले रही हूँ मैं चिकन का, 2 से 3 पीस है मेरे पास चिकन बोनलेस, वो ले रही हूँ मैं यहाँ पे, वो इसमें ऐड कर देंगे। और अदरक लहसुन का पेस्ट लूँगी मैं 1 टीस्पून जी, तो अदरक लहसुन का पेस्ट ले रही हूँ 1 टीस्पून, ये इसमें ऐड कर रही हूँ। मिक्सअप कर देंगे इसको अच्छी तरह से। ये बच्चों के लिए अगर आपको बना के रखना है तो ये सिर्फ एक दिन की, इनकी वो बच्चे जो जिनको अलाउ कर देते हैं डॉक्टर्स के, इनको अब आप सेरेलेक वगैरह खिला सकते हैं। उन बच्चों के लिए भी बहुत हेल्दी और बहुत ही मज़ेदार और यम रेसिपी। देखें थोड़ा सा मैंने यहाँ पे पिसी मिर्चें ली हैं, अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो मत ऐड कीजिएगा, ऑप्शनल है। और ज़रा सी यहाँ पे मैंने लिए हल्दी, ये सारी चीज़ें ऐड करके इसको हम देखिए पहले मैं हाई फ्लेम पे मीडियम फ्लेम पे रख के इसको, ताकि इसमें उबाल आ जाए, उसके बाद मैं फिर इसका फ्लेम मीडियम टू लो कर दूँगी। ये चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐड कर ली है, अब मैं इस पर कवर अप कर दूँगी इसको। ये मैंने इसको कवर अप कर दिया जी। तो यहाँ हमारा दलिया अच्छे तरीके से डन हो चुका है, और जितना भी मैंने इसमें टमाटर वगैरह ऐड किया था इसको आप चमचे से हल्के हल्के इस तरह कुचल लीजिए, और जो हमने चिकन डाला था वो भी आप आहिस्ता आहिस्ता करके अच्छे तरीके से इसमें मिक्सअप कर दीजिए। अब लास्ट में हम इसमें बघार ऐड करेंगे। डाल दो जी, ये मैंने देखिए इसमें थोड़ी सी प्याज का बघार दे दिया है, थोड़े से मैंने घी में दिया है। अगर आप ये बघार नहीं देना चाहते तो ये पार्ट आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये कि हल्का सा अगर हम इसको बघार दे देंगे ना तो ये रेसिपी मज़ीद मज़ेदार किस्म की हो जाएगी। और देखिए इसमें सारा कुछ बहुत अच्छे तरीके से मैरिनेट हो गया, दलिया हमारा कम्प्लीटली गल चुका है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे, मैं डिश आउट करके बता रही हूँ। मैंने यहाँ पे बता दूँ आपको कि मैंने हरा धनिया भी ऐड किया है इसमें ना, तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी से खा के देखिएगा, बहुत अच्छी और मज़ेदार ये आपको लगेगी रेसिपी। और छोटे बच्चों के लिए तो ये एक फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ फ्लेवर एंड फुल ऑफ हेल्दी डिश है उनके लिए। ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी, होप्स हो कि आपको ज़रूर पसंद आएगी इंशाल्लाह। फिर किसी और वीडियो में मुलाकात होगी, मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।